आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर रहना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। बागेश्वर धाम के प्रमुख आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने जा रही एमबीबीएस की छात्रा शिवरंजनी यूपी के महोबा पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान वो भक्त के घर ठहरी। महोबा में शिवरंजनी ने एक बार फिर से आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को अपना प्राणनाथ बताया और गाने भी लगी। शिवरंजनी उत्तराखंड के गंगोत्री से सर पर गंगा कलश लेकर पैदल मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम जा रही हैं। इस भीषण गर्मी में शिवरंजनी अपने पिता और भाई के साथ अब महोबा से आगे निकल चुकी हैं। राजस्थान के बाड़मेर में अनोखे तरीके से बारात निकाली गई। दरअसल वहां दूल्हा 51 ट्रैक्टरों के साथ दुल्हन लेने पहुंचा। इतना ही नहीं, इस दौरान खुद दूल्हे ने ट्रैक्टर चलाया। अलग तरीके से पहुंची बारात को देखकर हर कोई हैरान था। बारात का ये 15 किलोमीटर का पूरा सफर ट्रैक्टर पर ही तय हुआ। वहीं ससुराल पक्ष ने भी दूल्हे समेत पूरी बारात का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। दूल्हे प्रकाश के मुताबिक उसका परिवार खेती किसान से ताल्लुक रखता है और किसान के लिए ट्रैक्टर सिर्फ एक वाहन ही नहीं बल्कि उसका साथी होता है। ऐसे में शादी तय होने के दौरान परिवार के लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस बारात को 51 ट्रैक्टरों पर निकाला जाए और इसी के बाद बारात में ये लंबा काफिला निकला। बिहार के बक्सर में फलदार वृक्षों की शादी करवाई गई ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके और बारिश आए। ये वहाँ की परंपरा का एक हिस्सा है। इस दौरान शादी में कुछ महिलाओं ने मंगल गीत गाए, साथ ही गांव के लोगों ने भी कन्यादान किया और खाने का इंतजाम किया। जितने पौधे हम लगाए हैं उसका हम विधिवत शादी कर रहे हैं, जो हमारा पूर्वज पहले से करते आया। इधर पर्यवेक्षण के देख कर हम गाछी लगा दिए थे और उसी का शादी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के बारामती में एक किसान ने महिंद्रा थार गाड़ी के जरिए ही खेती कर डाली। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि गाड़ी के पिछले हिस्से पर रस्सी से हल बांधकर पूरे एक एकड़ खेती की गई। किसान अनिल तोने के मुताबिक कंपनी महिंद्रा थार का इंजन शक्तिशाली होने का दावा करती है। इस बात को परखने के लिए उन्होंने ऐसा किया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने पहल की और वहाँ एक सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं ने भी हिस्सा लिया। ये सांस्कृतिक महोत्सव वहाँ 2 दिन तक आयोजित हुआ। इसमें दूर दराज के हिस्सों से लोग पहुँचे। सेना लंबे समय से राज्य के लोगों के लिए इस तरह के आयोजन करती आ रही है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इसमें 400 किसानों ने 200 से ज्यादा वैरायटी के आम प्रदर्शित किए। इस आम महोत्सव में 3.5 किलो के जंबो साइज का नूरजहां आम भी सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना।